जय छठी मैया फ्रेंड्स। तो आज है खरना और खरना के लिए मैं हो रही हूँ तैयार। तो डे टू है आज छठ का और आज होता है खरना, तो जिसमें रसिया और रोटी बनती है। रसिया यानी खीर बनती है जो कि गुड़ की बनाई जाती है, तो आज वही बनेगा। और सुबह से आज के दिन कुछ भी खाया नहीं जाता, शाम को जब हम खरना करेंगे तो रसिया और रोटी का ही हम खाना खाएंगे। और उसके बाद मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं खाऊंगी। उसके बाद स्टार्ट हो जाता है 36 घंटे का उपवास। तो मैं यहाँ पर ईंटें लाई थी और ईंटों पर अभी चूल्हा रखूँगी, तो नीचे जो फर्श है वो ख़राब ना हो, इसलिए यहाँ पे ईंटा या बालू दे दीजिए, जिससे कि आपका जो ये टाइल्स वगैरह लगे रहते हैं ना फ्लैट्स में, तो वो सब टाइल्स वगैरह ख़राब नहीं होते गर्म होके। तो मैं यहाँ पे ईंटों को धो ले रही हूँ, उसके बाद यहाँ पर इस तरह से लगाऊंगी और उसके ऊपर चूल्हा रखूँगी। आप इसके जगह पर बालू भी रख सकते हैं। तो चूल्हा मैंने लगा लिया है और इस तरह से मिट्टी का चूल्हा मैंने यहाँ पर लगाया है। तो जो खरना का जो मेन प्रसाद है वो मैं मिट्टी के चूल्हे पर ही बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैं यहाँ इसको गंगा जल से शुद्ध कर लूँगी। उसके बाद इसमें सिंदूर लगाई जाती है, अच्छा छीटे जाते हैं, फूल वगैरह लगाई जाती है, अगरबत्ती दिखाई जाती है। मेन रूप से चूल्हे की पूजा की जाती है। तो चूल्हे की पूजा करने के बाद ही हम इसमें आग को जलाएंगे, चूल्हे को जलाएंगे। उसके बाद इसमें जो है वो प्रसाद बनेगा। तो आपकी तरफ किस तरह की जाती है ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। और कहाँ से, किस एरिया से आप देख रहे हो, किस शहर या गांव से आप देख रहे हो, ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। तो मैं इस बार का जो छठ है वो अपने मायके में बना रही हूँ। ये मेरा तीसरा छठ पर्व है। तो यहाँ पे मैं अभी पूजा कर लूँगी, उसके बाद से यहाँ पे प्रसाद बनाने की तैयारी करूँगी। तो वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आए तो अपने कमेंट्स मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसे लगे। और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइए, नहीं किया है तो, और मुझे फुल सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल एंड स्टे ट्यून। और आज का जो प्रसाद है वो मिट्टी इस तरह से पीतल के बर्तन में बनेगा। तो इसे मैं मिट्टी लगा ले रही हूँ, मिट्टी का लेप दे दे रही हूँ, जिससे कि जो है वो बर्तन हमारा जलता नहीं है चूल्हे पे चढ़ाने के बाद, और इजीली ये साफ भी हो जाता है। अभी मैं यहाँ पर खीर बना रही हूँ। तो खीर के लिए चावल को है वो अच्छे से चुन लिया है और इसे 4 से 5 पानी से धो लूँगी। और जो कि धोकर जो पानी होता है ना वो हमें फेंकना नहीं है, एक जगह हम इसको स्टोर करके रखेंगे, क्योंकि अभी किसी भी नाले वगैरह में मैं इसे नहीं डाल सकती, क्योंकि ये जो होता है वो शुद्धता का बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो एक भी कुछ भी नाले में जो होता है वो फेंका नहीं जाता है, एक जगह रखा जाता है, जब पर्व ख़त्म हो जाए तब उसके फेंका जाता है मिट्टी वगैरह में। तो अभी देखिए वो खीर जो है मेरा वो गाढ़ा होने लगा है और अभी मैं इसमें गुड़ डाल चुकी हूँ। तो गुड़ को जो है ना वो मैंने पानी में पिघला लिया था और पानी में पिघला कर फिर कपड़े से अच्छे से छान लिया है, जिससे कि एक भी उसमें गंदगी या किसी भी तरह का ना हो। ठीक है, तो अभी जो है वो खीर ऑलमोस्ट हो चुका है। तो मैं यहाँ पे इस तरह से थोड़ी देर और पकाऊंगी, उसके बाद इसे मैं ठंडा होने के लिए रख दूंगी। उसके बाद मैं इसमें दूध डालूंगी, क्योंकि दूध अगर हम ऊपर में ही डालेंगे तो उस तरह ना जो खीर होता है वो फट जाता है, इसलिए इसका खास ख्याल रखिए कि हमेशा गुड़ की खीर नीचे उतारने के बाद ही दूध मिक्स कर दिए। तो देखिए थोड़ा सा और मैं इसमें गुड़ ऐड कर रही हूँ, तो इस तरह से पानी में मैंने घोल लिया है गुड़ को।
अभी मेरा जो है वो खीर बन चुका है और अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे रोटी। तो जो रोटी बनती है वो हाथ से ही ठोक ठोक कर बनती है, फैला कर बनती है, बेलना और चकला यूज़ नहीं होता है। बट मैंने लगा रखा है, लेकिन जब तक मुझसे बन रहा है बट मैं यहाँ पे वैसे ही बनाने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे अभी रोटी इस तरह से बना कर रख ले रही हूँ ताकि एक बार में ही मैं 5 से 6 रोटियाँ है वो सेक सकती हूँ। और रोटियों को हमें फुलाना नहीं है, तो बहुत सारे तरीक़ों से बनती है हमारे घर में, रोटियां फुलाई नहीं जाती हैं और इस तरह से ही बनती हैं। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं क्योंकि शाम का समय भी हो गया है और खरना का भी टाइम हो रहा है। तो इस तरह से कढ़ाई ले लिया है मैंने और कढ़ाई में ही मैं यहाँ पे रोटी को सेकूँ। फ्रेंड्स, तो शाम हो चुकी है और मैं कर रही हूँ यहाँ पे खरना की तैयारी। तो मैं फिर से नहाकर और अपनी तैयारी कर लूँगी हूँ, साड़ी वगैरह पहन चेंज कर लिया है मैंने और ये जो भी मुझे यहाँ खरना पे चाहिए वो सब कुछ रेडी कर यहाँ पे रख लिया है ताकि मुझे बार बार उठ उठ कर जाना ना पड़े, इसलिए सारे को यहीं पर रख लिया है। अब फटाफट से खरना की तैयारी कर लूँगी क्योंकि लोग आना शुरू हो गए हैं, जो कि प्रसाद खाने के लिए बुलाए गए हैं वो सब आना लोग पर शुरू हो गए हैं। तो मुझे भी फटाफट से काम करने हैं। तो इस तरह से देखिए मेरा खीर जो है वो बनकर तैयार हो चुका है और इधर मैं पहन रही हूँ लहठी। और लहठी ज़रूर पहना जाता है, एक दो भी आप कांच के बीच में ज़रूर लगाएं क्योंकि लहठी जो होता है वो शुद्ध होता है और बहुत ज़्यादा पवित्र माना गया है, इसलिए लहठी ज़रूर पहनी जाती है। तो मैं लहठियों को वेयरिंग कर रही हूँ और कैसा लगा मेरा लहठी और साड़ी वगैरह आप ज़रूर मुझे बताइएगा। तो चलिए जल्दी जल्दी से पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। हमको लगाओ, अच्छा से लगाओ।
सो फ्रेंड्स, आज का जो खरना का ब्लॉग था वो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। खरना पूजा बहुत ही अच्छे से हो गई। मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।